नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नेशनल हेल्थ मिशन की परीक्षा लीक कराने ग्वालियर पहुंचे 7 मुन्ना भाइयों को वहाँ की क्राइम ब्रांच ने टेकनपुर डबरा के श्री कृष्णा होटल में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज निवासी हैं। ये सभी के सभी 7 तीर पेपर लीक गैंग के सदस्य। मंगलवार को ही आयोजित NHM की भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई है। इसके पेपर 15-15 लाख रुपए में बेचे गए थे। देखिए कैसे एक्शन हुआ और तत्काल हुई इनकी गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के बाद मुंह छिपाते दिख रहे हैं ये। आपको बता दें कि NHM की भर्ती परीक्षा 2 पालियों में होनी थी। सुबह की जैसी परीक्षा हुई, दूसरी पाली की परीक्षा शाम 3 बजे होनी थी। दूसरी पाली की परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक का भंडा फूट गया, जिसके बाद संपूर्ण भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इन छात्रियों के तार पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। ग्वालियर, भोपाल और इंदौर इनका मुख्य टारगेट है। दूसरी पारी की परीक्षा निरस्त होने की खबर मिलते ही अभ्यर्थियों ने भोपाल के सैम कॉलेज के बाहर जम के प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे वक्त के इंतजार और तैयारी के बाद परीक्षा का दिन आया और वो भी मायूसी हाथ लगी, पेपर लीक हो गया, परीक्षा निरस्त कर दी गई, साल भर की तैयारी जीरो हो गई। अभी पेपर निरस्त होने के बाद दूसरी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। अभ्यर्थियों को दूसरी तारीख का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, उसके बाद छात्रों ने जम करके हंगामा किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका साल बर्बाद हो गया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कोई भी राज्य हो, खास तौर से बिहार भी उसमें शामिल है, कहीं भी परीक्षा होती है तो लीक होना मानो सगल बन गया है। यानी कि पेपर लीक होना ही होना है। जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, ईमानदारी से तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और कोई भी स्टेट इससे अछूता नहीं है। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।